प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशि फल के साथ साथ आप सभी राशि वालों के लिए प्रेम, विभिन्न प्रकार के खर्चे, कोर्ट कचहरी के झगड़े, इन सब से मुक्ति के लिए, इन सब परेशानियों से दूर होने के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। साथ ही कर्क राशि वाले व्यक्तियों को क्या परमानेंट उपाय करना चाहिए जिससे वो सभी प्रकार की परेशानियों से परमानेंटली बहुत दूर हो जाएं, रोज रोज उपाय करने के झंझट में पड़े ही ना। या तो 3 साल वाले उपाय कर, कम से कम जो उपाय ऐसे करें जो 3 साल तक लगातार काम करें एक बार करने के बाद, या फिर 1 साल तक लगातार काम करें एक बार करने के बाद। तो इन सभी उपायों को जानने के लिए, अपने राशिफल को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, गोचर, नक्षत्र और सितारे? तो सबसे पहले आसमान में उपस्थित विभिन्न ग्रह की जो स्थितियां हैं उन पर नजर डालते हैं। मंगल देवता मेष राशि में विराजमान है, बलि हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है। चंद्र देवता तुला राशि में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि में केतु महाराज वक्री होकर विराजमान रहेंगे। यहाँ पर शनि देव, शुक्र देवता, सूर्य देव और बृहस्पति देवता चारों के चारों मकर राशि में विराजमान है। यहाँ पर बृहस्पति देवता नीच का प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं। बुध देवता वक्री हो चुके हैं और आपके कुंभ राशि में विराजमान है। यहां बैठकर ये सभी ग्रह अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हमें आशीर्वाद देते हैं या हमें दंड देते हैं हमारे कर्मों के आधार पर। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ना तो भगवान के घर में देर है और ना ही अंधेर, और ना ही परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना इस सृष्टि में कभी पत्ता हिल सकता है। यानी पत्ता भी हिलता है तो परमपिता परमात्मा की मर्जी से हिलता है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए छोटी सी एक नज़र आज के पंचांग पर। आज है विक्रम संवत 2077, 4 फरवरी सन 2021 पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। परमपिता परमात्मा 11:28 सुबह के समय अपने द्वार खोलेंगे, जो खुले रहेंगे 12:58 तक। जो आज का शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो है 12:14 से लेकर 12:58 तक। तो इस समय के अनुसार आप अपने सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनके लिए जो समय रहेगा वो सुबह 7:08 से लेकर 8:30 या फिर 1:58 से लेकर 3:20, ये दोपहर का समय है। इसमें वो अपना जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं, अविचार कर्म, षट कर्म इत्यादि कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, मैं और अधिक समय न लेकर प्रारंभ करूँगा मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ। मेष राशि वाले व्यक्तियों, मन में धीमे धीमे आत्मविश्वास में वृद्धि लगातार होती चली जा रही है। परिवारजनों के साथ कुछ उलझने अवश्य बनेंगी। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी प्रमोशन, एंगेजमेंट, इंटरव्यू, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, खुशखबरी, कंपिटेटिव एग्जाम में सफलता जैसी सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। कार्यस्थल पर अचानक उन्नति के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसे लाभ उठाने का प्रयास करें। जो युवक युवतियाँ सरकारी नौकरी न मिल पाने से निराश हैं वो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये तो पता करें हमसे कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, या जो अड़चन है वो कैसे दूर हो सकती है।
वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे हमसे बात कर सकते हैं, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके जीवन साथी के साथ, एक यात्रा का योग बनता हुआ नजर आ रहा है और मन के दुखी होने की संभावना भी उस यात्रा के साथ बढ़ सकती है। जो भी करें सोच समझ कर ही करें। और यहाँ भाग्य के हालात ठीक नहीं है, चंद्र कुंडली के अनुसार भाग्य के मालिक आपके कार्यस्थल पर बैठकर कार्यस्थल में विघ्न कर सकते हैं। तो कार्यस्थल पर अपनी शुभारंभ करते समय कार्य का, यानी दिन की शुरुआत करते समय बृहस्पति देवता को प्रणाम करना और उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ कार्यस्थल में प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार करते हैं, मगर आमदनी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर आपकी कुंडली में बुध देवता, जन्म कुंडली में बात कर रहा हूँ, बुध देवता बकरी नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, आमदनी का नुकसान हो सकता है, तो सावधान रहें। मैंने बात करना चाहता हूँ आपसे आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जो युवक युवतियाँ अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर परेशान हैं, हालांकि आपके जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपके कैरियर को बनाने में आपकी या जॉब को दिलवाने में आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अगर आप उनसे किसी भी रूप में परेशान हैं तो आप बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें। हम आपकी जन्म कुंडली के अनुसार छोटे से वैदिक उपाय के द्वारा आपको मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे और घर बैठे इन उपायों को आपके घर तक भी भेज देंगे। साथ ही साथ बात करता हूँ जो लोग कोर्ट कचहरी में मतलब मुकदमेबाजी से परेशान हैं, तो उनके लिए अगर इस समय वो कोर्ट कचहरी का कोई फैसला आता है तो सुखद परिणाम देने वाला होगा। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति उलझनों से बचने का जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी बनती हुई नजर आ रही है, युवक युवतियों के लिए, कि वो नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट इंटरव्यू में सफलता, कंपटीटिव एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई अच्छी ऑफर या लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस समय का सदुपयोग करें। मैं उन युवक युवतियों की भी बात कर लेता हूँ या उन बच्चों की बात कर लेता हूँ, चाहे वो दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो हाईएस्ट लास्ट पढ़ाइयाँ कर रहे हों, चाहे वो मतलब एमडी की तैयारी कर रहे हों, इंजीनियरिंग की एग्जाम्स दे रहे हों या सीए के एग्जाम्स दे रहे हों या आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हों, तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, हम उनकी मदद कर सकते हैं छोटे से वैदिक उपाय के द्वारा उनको पिछली बार से ज़्यादा नंबर दिलवाने की और उनका मन पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट हो सके, उस बात के लिए तो हम आपको गारंटी भी देते हैं कि आपको अवश्य लाभ होगा। हमारे छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय से जो साल में या 3 साल में एक बार ही करना होता है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। क्रोध से, उनके क्रोध से बचने का प्रयास करें, उनका क्रोध अनावश्यक रूप से आपके लिए ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधान रहें आपका अपना क्रोध, क्योंकि आप इरिटेट हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब्ड हैं, तो कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, तो सावधान रहना आपके लिए हित में रहेगा। यहाँ पर भाग्य के देवता आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है, तो इसका सदुपयोग करें। अपने राशि रत्न की अंगूठी अवश्य धारण करें ताकि आप हमेशा मजबूत रह सकें। और कार्यस्थल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी करें सोच समझ कर करें, सावधान रहकर करें, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कार्यस्थल पर अचानक से कोई नुकसान की संभावना बन सकती है। यहाँ पर आमदनी के हालात भी अच्छे नहीं हैं, आमदनी का मालिक नीच का होकर अगर भाग्य में बैठेगा तो निश्चित रूप से नुकसान की प्राप्ति होगी। तो अपनी आमदनी के देवता यानी देवगुरु बृहस्पति के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति विधि विधान के साथ करें। विधि विधान चाहिए, हमारा बनाया हुआ विधि विधान चाहिए तो ईमेल के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से, वृष राशि वाले व्यक्तियों से, जो कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए शुभ समाचार मिल सकता है। अगर उसका कोई फैसला आने वाला है तो उनके फेवर में हो सकता है। और प्रेम प्रसंगों के बारे में, जैसे मैंने बताया कि मैं प्रेम प्रसंगों की बात करूंगा, तो प्रेम प्रसंगों में आपको नुकसान हो सकता है। अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करिए, आपके प्रेम संबंध आपके कार्यस्थल पर आपको परेशानी और पीड़ा दे सकते हैं। तो अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए आप छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर सकते हैं वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करने के बाद।
और जरूरत पड़ने पर हम ये उपाय आपको घर बैठे भी पहुंचा सकते हैं बिना किसी झिझक के। यहां मैं बात करना चाहता हूं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि आपका समय है, आपके समय के अनुसार चिंताएं आपको बार बार परेशान करेंगी। आपका अपना ग्रह वक्री होकर खराब हो गया है, भाग्य में बैठा है, तो उसको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाग्य की देवता खराब होकर अष्टम हो गए, और अकेले अष्टम नहीं, उनके साथ साथ चार चार अलग अलग ग्रह अष्टम हो गए, तो आप अपने आप को मजबूत करिए, अपने भाग्य के देवता को मजबूत करिए। नीलम और पन्ने की अंगूठी तो जरूर ही धारण करें। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से रंग का पन्ना, कौन से रंग का नीलम आपको सूट करेगा, किन मंत्रों से उसकी पूजा होनी है, ये एक साधक ही बता सकता है। हर आदमी, हर पूजा करने वाले व्यक्ति को इसका पता नहीं होता कैसे इसके दोषों को दूर किया जाए, कैसे आपको फायदा दिलाया जाए। मैंने अपने जीवन में आज तक जितने भी नीलम किसी को पहनवाए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे नुकसान हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ उसने फायदा उठाया उस नीलम से पहन के। और इतनी लंबी मेरी एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ है कि मुझे याद नहीं कि मैं कितने सारे लोगों को मंत्र सिद्ध करके अपने स्वयं के द्वारा, क्योंकि मैं अपने द्वारा ही सिद्ध किया हुआ नीलम देता हूँ प्राण प्रतिष्ठा जागृति करके, जो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आप घर बैठे भी इन रत्नों की अंगूठियों को मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। सर्टिफिकेट के साथ मिलते हैं, पन्ना और नीलम जैसे रत्न जो होते हैं इनके साथ सर्टिफिकेट आता है कि इस अंगूठी के अंदर, जो अंगूठी बनने के बाद बनाया जाता है, और उसमें ये लिखा होता है कि इस अंगूठी के अंदर पन्ना लगा हुआ, असली पन्ना लगा हुआ है, या असली नीलम लगा हुआ है, या असली हीरा लगा हुआ है, या असली रूबी या पुखराज लगा हुआ है। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर इसे पहनेंगे तो जरूर लाभ होगा। कार्यस्थल के हालात को अनुकूल बनाने के लिए बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की अत्यंत आवश्यकता है, आपको करने ही चाहिए। मंगल देवता का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके ऊपर बना हुआ है, तो मंगल देवता का आशीर्वाद लेते रहिए, अपनी आमदनी में वृद्धि करते रहिए। यहां मैं बात कर रहा हूं उन सभी लोगों के बारे में जो कोर्ट कचहरी के झगड़ों में फंसे हुए हैं, मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं। ऐसे सभी लोग के खिलाफ फैसला आने वाला है, कोर्ट का फैसला अगर इन दिनों में आएगा तो आपके खिलाफ जा सकता है, पहले ही आप होशियार हो जाइए। इसीलिए आपको नीलम बहुत मदद करेगा। अगर आपकी जरूरतें इस प्रकार की हैं तो एक मंत्र सिद्ध नीलम जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार तैयार किया गया हो, आपके कोर्ट कचहरी के फैसले में आपको मदद पहुँचाएगा उसके मसले में। अकेला नीलम नहीं, नीलम के साथ और रत्न भी धारण करने पड़ते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, तभी आप मजबूत होते हैं और आप विपरीत परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर जाते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं। प्रेम संबंधों के बारे में मैं चर्चा करूंगा तो आपके प्रेम संबंधों के भी संबंध खराब होते जा रहे हैं, बदनामी भी हो सकती है, अपने प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहां मैं बात करना चाहता हूं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आपका समय है, आपका अपना ग्रह आपकी माता के साथ एक यात्रा की संभावना बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इस यात्रा पर एंजॉय कर सकते हैं, जाकर माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, अगर वो पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये पूरे साल उनका मन बार बार पढ़ाई लिखाई से विचलित होगा, परेशानी खड़ी होगी। तो माता पिता भी कृपया ध्यान दें, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे वो अपना करियर बनाएंगे। तो उनके मन को पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए हम गारंटी वाला एक उपाय करेंगे आपके बच्चे के साथ, जो निश्चित रूप से आपको बच्चे को फायदा करेगा। चाहे आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मजबूत करने के लिए किया गया उपाय जरूर उसको पढ़ाई लिखाई में मन लगवाएगा और पहले से ज़्यादा नंबर दिलवाएगा हर बार एग्जाम में, जब तक वो बार बार बदल बदल के इनको पहनते रहेंगे। बात करता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। अगर आपकी शादी होने वाली है तो निश्चित रूप से जो रिश्ते की बात चल रही है मैच्योर हो सकती है, लेकिन वहाँ पर एक अड़चन बृहस्पति देवता की होगी, तो बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला यहाँ करनी ही पड़ेगी आपको। नित्यपति बृहस्पति देवता की पूजा करके आप
अपनी शादी के संबंधों को मैच्योर कर सकते हैं, शादी का लड्डू खा सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। साथ ही साथ जो युवक युवतियां ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए खुशखबरी है, नौकरी प्रमोशन, एंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू सफलता जैसी सूचना उनको प्राप्त हो सकती है। तो इसको एंजॉय करने का प्रयास करें और इस सूचना को खाली ना जाने दें, इसे ग्रैब करें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, बुध वक्री होकर आपकी चंद्र कुंडली में अष्टम हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई विपरीत बुद्धि से कार्य न करें। सही दिशा में किया गया आपका प्रयास आपको लाभ पहुंचा सकता है। कार्यस्थल के हालात आपके अनुकूल होंगे और आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। यहाँ आमदनी में कुछ उलझनें खड़ी हो सकती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी आमदनी को भरसक बढ़ाने का प्रयास करें, उलझनों से बचने का प्रयास करें। जो युवक युवतियाँ या जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में मतलब लगे हुए हैं, उन सबको उनके जीवन साथी की वजह से लाभ मिल सकता है, तो वो उस लाभ को उठाने का प्रयास करें और अपने विपरीत ग्रहों को ठीक करें ताकि आप कोर्ट कचहरी में विजय होने की संभावना तलाश सकें। अगर आप कमजोर होंगे तो आप सब कुछ आपके फेवर में होने के बाद भी आपको ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके विपरीत भी फैसला हो सकता है। अगर आप मजबूत होंगे, आपके ग्रह आपके फेवर में नहीं भी होंगे मगर आपने मजबूत अपने आप को कर रखा है, तो विपरीत फैसला भी इतना ही विपरीत होगा कि आपको मामूली सा नुकसान पहुंचाएगा जिसे आप सहने के काबिल हो सकेंगे। मान लीजिए कि मतलब होनी है आपको 3 महीने की सजा और हो गया आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना, तो सजा बेटर है या जुर्माना बेटर है? तो आप 100 रुपये का जुर्माना देकर छूट जाएंगे या 1000 रुपये का जुर्माना देकर छूट जाएंगे? तो जब हमारे ग्रह ठीक होते हैं तो हमें बहुत सारी मदद पहुंचाते हैं, अगर हम मजबूत हैं, हमारे ग्रह मजबूत हैं। तो आप अपने ग्रहों को सदैव मजबूत करके रखिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है, आज के राशिफल में मैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों को, कैंसर राशि वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष उपाय दूंगा, विशेष टिप्स दूंगा परमानेंट वाली। तो यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके भाग्य की। तो भाग्य के देवता नीच के और जीवन साथी के घर में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने उनकी पूजा के लिए सजेस्ट किया था। कार्यस्थल के मालिक निश्चित रूप से आपको कार्यस्थल पर वृद्धि प्रदान कर रहे हैं। जॉब के चांस अगर नहीं है तो जॉब लगेगी आपकी, और अगर व्यापार करते हैं व्यापार में उन्नति और तरक्की होने की संभावना बनी। आमदनी में थोड़ी उलझनें आके खड़ी हो सकती हैं, तो आमदनी के देवता को ठीक करना, मजबूत करना आपका परम कर्तव्य बनता है। तो यहां मैं कर्क राशि वाले सभी व्यक्तियों से कहना चाहूंगा, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, अपने राशि रत्न की, अपने भाग्य के रत्न की, अपनी आमदनी के रत्न की, और क्योंकि आपका जीवन साथी बहुत डोमिनेटिंग है जिसकी वजह से बार बार आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो अपने जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए उससे संबंधित रत्न की अंगूठी भी आपने ही पहननी है ताकि आपके बीच में जो संबंध है वो मधुर संबंध बने रहे और आपको रोने की जरूरत ना पड़े, केवल आपका चेहरा हर समय हंसता मुस्कुराता रहे और आपकी चंचलता सबका मन मोहती रहे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के बारे में जब मैं चर्चा करूंगा तो प्रेम संबंधों में खराबी आती हुई दिखाई दे रही लगातार, फिर भी आपके प्रेम संबंध जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपके करियर को बनाने के लिए आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका फायदा उठाने का प्रयास करें, अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति, देखो आपके ग्रह बहुत ज़्यादा खराब है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अब बुध देव का भी एडिशनल खराब हो गया, 4 ग्रह बीमारी वाले शत्रुओं वाले घर में बैठकर वो खराब हो गए, 2 ग्रह राहु केतु आपके दुश्मनों के दूसरे ग्रह, यानी 6 लोग तो आपके दुश्मन बनेंगे, ऊपर से बुध देवता भी वक्री होकर खराब हो गए और जाकर बैठ गए जीवन साथी के घर में, तो उनकी बुद्धि को भी उल्टा घुमा के आपसे प्रॉब्लम खड़ी होगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये, जितना आप मजबूत होंगे, जितना आपका भाग्य मजबूत होगा, जितना आपका आमदनी मजबूत होगी, तो बाकी चीजों को तो आप संभालने में समर्थ हो सकेंगे, ये आपसे कहना चाहता हूं। जो युवक युवती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको निराशा हाथ लगेगी, शत्रु है कि पीछा छोड़ेंगे नहीं, ना घर पे ना कार्यस्थल पर, यंत्र मंत्र तंत्र भी जादू टोने टोटके सब का इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ, तो ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय मैं आपको दूंगा। जब आप उसे वीडियो कॉल पर अगर आप परेशान हैं इन चीज़ों से तो आप मेरे से चर्चा करें, मैं अवश्य आपको लाभ पहुंचाऊंगा और आपके शत्रुओं को इस तरीके से बांध दूंगा कि वो आपको कम से कम नुकसान तो ना पहुंचाएं।
और क्या चाहिए आपको? अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आप फ्री हैं। और भाग्य में बैठे हुए मंगल देवता आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कार्यस्थल पर कुछ उलझने आकर खड़ी हो सकती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो लोग मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपके विरुद्ध अगर इस समय कोई फैसला आ रहा है तो आपके विरुद्ध भी जा सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और आपके प्रेम संबंधों की चर्चा करूंगा तो आपके प्रेम संबंध मुझे खटाई में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रेम संबंधों का मालिक अगर नीच का होगा तो आप अच्छे प्रेम संबंध की उम्मीद इस समय तो नहीं कर सकते। तो अपने संबंधों को ठीक करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करने ही होंगे। वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करें और घर बैठे जरूरत पड़ने पर इन उपायों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे द्वारा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, देखो यहाँ पर आपका अपना ग्रह क्योंकि अब वक्री हो चुका है तो कहीं ना कहीं तो अड़चन देगा ही देगा, तो वक्री ग्रह को ठीक करने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ वो बीमारी के घर में जाकर बैठ गया है, यानी बीमारी को बढ़ा सकता है, तो सावधान भी रहे। छुआछूत की बीमारी और स्किन डिसीज जैसी समस्या आपको खड़ी हो सकती है। अच्छा, माता परिवारजनों के साथ एक यात्रा का योग बन सकता है। भाई बहनों के साथ भी कुछ उलझने और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, उनको क्रोध से बचने का प्रयास करें। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में मन तो लगेगा, और साथ ही साथ एक नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट इंटरव्यू इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना प्राप्त हो सकती है, तो उसको लाभ उठाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जो अगर आप अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं सभी प्रेमी जनों से कह रहा हूँ जो कन्या राशि वाले हैं, तो बृहस्पति देव की पूजा करके अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने का प्रयास न करें, मौके पे चौका और छक्का मार के शादी के लड्डू खाने का प्रयास करें। अपने जीवन साथी का ख्याल रखें जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और वाहन दुर्घटना से बचने का बेहद ख्याल रखें। भाग्य में बैठे हुए राहु महाराज कुछ उलझने खड़ी कर सकते हैं, सावधान रहें। कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल नहीं होंगे, उसके प्रति भी आप सावधान रहें। आमदनी के देवता निश्चित रूप से आपके परिवारजन की मदद से आप उनसे लाभ उठा सकते हैं, आमदनी में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग कोर्ट कचहरी के झगड़ों में या मुकदमेबाजी के झगड़ों में हैं फंसे हुए हैं, चाह के या अनचाहे में, तो उनको शायद कुछ मदद मिल सकती है अगर इन दिनों उनके उनका फैसला आता है। किंतु विपरीत उम्मीद रखने वाले लोग की मुकदमेबाजी में उनको जो फैसला आएगा उनके खिलाफ आएगा, तो ऐसे लोग एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों से और आपको कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद दिलाने का प्रयास करेंगे, ताकि विपरीत परिस्थितियों को भी आप आसानी से संभाल सकें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। मौके पे चौका मैंने बोल ही दिया है, तो मार दीजिए चौका या छक्का और अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर लीजिए। यहाँ मैं बात करना चाहता था उन सभी दंपतियों की जो संतान ना होने की वजह से परेशान है। तो इस समय कन्या राशि वाले दंपतियों के घर में संतान रूपी खुशियां आने को तैयार हैं, तो आपके लिए तो खुशी का अवसर है, तो मुबारकबाद देता हूं मैं उन सभी लोगों को संतान प्राप्ति के लिए। बिल्कुल अवसर बना हुआ है आप लोगों के लिए संतान प्राप्ति का, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मगर जो दंपत्ति संतान से वंचित हैं, परमपिता परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, डॉक्टरों का सालों से इलाज करा रहे हैं डॉक्टर से मगर फायदा नहीं हो रहा है, यानी संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। जहाँ डॉक्टरों की सीमा खत्म हो जाती है वहां से एस्ट्रोलॉजी प्रारंभ होती है। तो ऐसे सभी दंपत्ति अपनी अपनी जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा और परेशानी बताकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से उपाय जान सकते हैं, और जान सकते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का क्या योग है और क्या उपाय करने से संतान प्राप्ति
हो सकती है तो आप वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे, सच्चे दिल से मदद करेंगे, क्योंकि हर एक किसी को अधिकार है संतान प्राप्त करने का, आपको क्यों नहीं होगा। गुरु जी और गुरु माँ को मेरा सादर चरण स्पर्श। और मेरा नाम नीलम है, मैं नीलम बहरेन से बात कर रही हूँ। गुरु जी से बात हुई थी मेरी, एंड गुरु जी मैं इतना ही कहूँगी, यू आर द बेस्ट, एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा कि सही जगह है और सारे समस्याओं का समाधान यहीं पे मिल सकता है। और मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों के पास आके आप लोगों का दर्शन करूं, तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा विश्वास है। और गुरु माँ से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ऐसे ही है ये वीडियोस भी, जैसे और बहुत सारे YouTube पे होते हैं। एंड मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि थैंक्स टू YouTube चैनल ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ओनली आई जस्ट फाइंड आउट गुरु जी एंड गुरु माँ। एंड या सनी देव से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि गुरु माँ और गुरुदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का बहुत मदद कर रहे हैं, और उनके पूजा पाठ से, उनके आशीर्वाद से बहुत लोगों का बहुत भला हो रहा है। तो सनी देव की कृपा से गुरु माँ और गुरु जी को सनी देव स्वस्थ रखे और उनको लंबी आयु दे, ताकि वो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे। एंड मैं और ज़्यादा, मुझे बोलना तो नहीं आता गुरु जी, आई होप यू विल एक्सेप्ट माय प्रणाम, एंड गुरु माँ को जी को भी मेरा। सो जय सनी देव, जय गुरुदेव। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपकी चर्चा करने से पहले आपसे तो विशेष रूप से कि देखो, हमारा जो सनातन धर्म है सिर्फ इसलिए आगे बढ़ा है कि तुला राशि वालों ने मंदिरों के लिए दिल खोलकर दान दिया, लंगर और भंडारों के लिए दिल खोलकर दान देते हैं, पूजा पाठ के लिए दिल खोलकर दान देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मगर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। कि हमारा धर्म निरंतर गतिशील रह सके, आप लोगों की वजह से ही तो ये हमारा सनातन हिंदू धर्म है विपरीत परिस्थितियों में। यानी 900 साल के जो मुस्लिम आक्रांता थे, जिन्होंने पता नहीं कौन कौन से देश से आकर हमारे देश पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया, 200 साल अंग्रेज भी अपनी रोटियां हिंदुस्तान में सेक गए और हिंदुस्तान को लूट कर चले गए, उसके बावजूद भी सनातन धर्म जिंदा है। और परमपिता परमात्मा का बड़ा अजीब सा न्याय है। मैंने अभी एक पीछे न्यूज पढ़ी थी, पुरानी बात हो गई, ये 10-12 साल पुरानी शायद कटिंग मेरे पास पड़ी है उसकी, पेपर में न्यूज थी कि मुस्लिम शासकों के, यानी हम बात करें तो हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, शहींशाह, शाहजहां और बहादुर जफर तक ये पीढ़ी गई, तो इनके भी आखिरी जो वंशज थे वो बंगाल के किसी छोटे से गांव में चाय बेक रहे थे। पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को संभालने वाला शहंशाह की जब वंशावली यानी आने वाली पीढ़ियां तक सुरक्षित नहीं है, तो हम किसके लिए धन संचित कर रहे हैं, किसके लिए संपत्ति संचित कर रहे हैं? अरे परमपिता परमात्मा एक अच्छा प्रभाव दे दे, अच्छा आशीर्वाद दे दे, निरंतर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। लूट खसोट, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार, ठगी, हत्या, जघन्य अपराध जैसे दुष्कर्म ना करें, ड्रग पेडलिंग ना करें, देशद्रोह ना करें, ताकि परमपिता परमात्मा अगले जन्म में हमें कहीं भिखारी बनाकर, कहीं अंधा लूला लंगड़ा दिव्यांग बनाकर कहीं हमारा जन्म ना कराए और हम पूरी जिंदगी किसी की मोहताजगी पर जिए।
तो जो भी करें अच्छा करें, और हमारी इन वीडियोस को लगातार सनातन धर्म की सच्चाइयों का बयान करने के लिए अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से साथ शेयर करें, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तुला राशि वालों की बात कर रहा था, परिवारजनों से कुछ उलझने हो सकती हैं, एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद ना सिर्फ आपको मिला हुआ है बल्कि आपकी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकारी नौकरी जैसी खुशियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। बुद्धि के देवता का वक्री हो जाना और पढ़ाई के घर में जाकर वक्री हो जाना कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगा। तो अपने पढ़ाई से संबंधित ग्रहों को मजबूत करें, तभी आप अपने कैरियर को सफलतापूर्वक आगे किसी मुकाम तक पहुंचा सकेंगे। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको एक जीवन साथी प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हैं तो आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियाँ देता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपके परिवारजनों की वजह से या भाई बहनों की वजह से आपको लाभ पहुंच सकता है। आमदनी के मालिक जो हैं माता के आशीर्वाद से आपको लाभ पहुंचाने में का अवश्य प्रयास कर रहे हैं, तो माता का आशीर्वाद लेते रहिए। आमदनी में बहुत, कार्यस्थल पर जॉब में प्रमोशन इत्यादि या कार्यस्थल पर बिजनेस में उन्नति प्राप्त करते रहिए। यहाँ मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जो किसी मुकदमेबाजी से परेशान है। माता का आशीर्वाद लेकर मुकदम, जहाँ आप कोर्ट की तारीख अटेंड करते हैं वहाँ जाइए। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कुछ रत्न पहनकर मजबूत जरूर हो जाइए ताकि विपरीत परिस्थितियों पर भी आप अपने आप को मजबूत बनाकर न सिर्फ उनका सामना कर सकें, उन्हें अपने फेवर में मोड़ सकें। तो अपने आप को मजबूत रखिए, बहुत शक्ति है परमपिता परमात्मा के और हमारे संतों ऋषि मुनियों ने जिन्होंने अनवरत तपस्या की थी उनके फॉर्मूलाज में जो हमें जन्म कुंडली देखकर उन्होंने बताए हैं। भृगु ऋषि जैसे महान संतों की जो लीलाएं हैं, जो इन्होंने जन्म कुंडली का इतना डिटेल्ड विश्लेषण किया है, तो उन संतों ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए उपाय आपको बेहद लाभदायक पहुँचा सकते हैं। तो जन्म कुंडली देखकर इन उपायों को करने से आपको अवश्य लाभ होगा। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों को लेकर परेशान हैं, उनको निश्चित रूप से थोड़ा और परेशान की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए वो वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके प्रॉपर उपाय प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे और लाभ उठा सकते हैं हमसे चर्चा करने के बाद। तो आप स्क्रीन पर इन नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल का एक अपॉइंटमेंट रखें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। बात करूँगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आने वाले समय में एक यात्रा की संभावना नजर आ रही है किंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपका अपना ग्रह खराब होने की वजह से आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, मतलब हाइपरटेंशन की, मांसपेशियों की, या आपके टिश्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपके ब्लड इन्फेक्शन आदि की समस्या खड़ी हो सकती है। हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। और साथ ही साथ मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ आपके भाई बहनों को आशीर्वाद की वजह से, उनकी शुभकामनाओं की वजह से, उनकी मदद की वजह से आपको नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना बन सकती है। माता से उलझने का प्रयास ना करें। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल होते हैं, एक बार वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें और कारण समझने का प्रयास करें अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर कि क्यों उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है और क्या करने से उनको मदद मिल सकती है। तो हम अवश्य ही, अगर आप हमसे वीडियो कॉल पर चर्चा कर रहे हैं तो हम आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। यहाँ पर बात करता हूँ आपके जीवन साथी के साथ कुछ उलझने आपको परेशान कर सकती हैं, व्यथित कर सकती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ बात करता हूँ आपके भाग्य की, या भाग्य की जो स्थिति है वहाँ पर भाग्य के देवता थोड़ा सा यात्रा को के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। यात्रा सफल हो, आपके लिए शुभ हो। भाग्य के देवता मतलब परेशान होने के बावजूद भी एक यात्रा की संभावना बना रहे हैं और शायद वो यात्रा आपके लिए सफल नहीं सिद्ध होगी। कार्यस्थल के मालिक जो हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों की वजह से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यानी कार्यस्थल पर व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसकी हालत भाई बहनों की मदद लेकर अच्छी हो सकती है इस समय पर। और जो आमदनी के मालिक हैं वो खराब होने की वजह से आपकी आमदनी में थोड़ी अड़चन और प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए सावधान रहें।
जो लोग मुकदमेबाजी में कहीं परेशान हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को उनके भाई बहनों की मदद की वजह से लाभ प्राप्त हो सकता है। वैसे भी अपने आप को मजबूत करके रखिए, अगर आप मुकदमेबाजी में परेशान हैं तो आप जितने मजबूत होंगे उतनी ही विपरीत परिस्थितियों को न सिर्फ संभाल सकते हैं अपितु विपरीत परिस्थितियों में भी विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठाने का प्रयास करें। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों में निराशा के पुट बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अगर आपकी प्रेम संबंध खराब होंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन को डावाडोल कर देंगे। तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह खराब है, नीच का है, तो वो आपको मनोवांछित लाभ नहीं दे पाएगा। जबकि इस समय आपकी जो स्थिति बनी, आपके परिवारजनों की वजह से नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता जैसी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। भाई बहनों के साथ उलझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, माता की देखभाल करें, उनकी सेवा करें। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नृत्यपति करना और पुखराज की अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। यहाँ बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो उनका मन निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में लगेगा, उसका लाभ उठाने का प्रयास करें, अपने कैरियर को बनाने का प्रयास करें। किंतु जो युवक युवतियाँ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पाते हैं या कम नंबर आते हैं मेहनत करने के बाद भी, वो हमारा गारंटी वाला उपाय करें, आपको जरूर फायदा होगा। हर बार पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे और पढ़ाई लिखाई में गारंटी से मन लगेगा। साल में एक बार उपाय करना है या 3 साल में एक बार उपाय करना है, बस। यहां बात करूंगा कुछ उलझने आपको परेशान कर सकती हैं जीवन साथी की वजह से। तो जीवन साथी का जो अपना ग्रह है वो ठीक ना होने की वजह से आपके लिए परेशानी का कारक बन सकता है। तो उनका ख्याल रखना आप ही का कर्म है, तो अपने जीवन साथी का ख्याल रखें। जो लोग जिन लोगों की रिश्ते की बात चल रही थी शादी के लिए, तो वहां उसमें अड़चन आ सकती है। सावधान रहें कि अपने रिश्ते को खराब होने से बचाने का प्रयास अवश्य करें। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके भाग्य की, तो भाग्य के देवता परिवारजनों की मदद से मजबूत हो सकते हैं। परिवारजनों की सहायता लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से कुछ परेशानी का सबब बन सकते हैं, तो आपको कार्यस्थल के हालात को ठीक करना अत्यंत आवश्यक है, वरना आपको नौकरी और व्यापार दोनों ही जगह प्रॉब्लम आ सकती है। यहां पर मैं बात करूंगा आपके आमदनी के बारे में, तो आमदनी के लिए एक यात्रा करने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। किंतु ऐसा ना हो वो आमदनी सिर्फ खर्चा बन के रह जाए। आमदनी गए थे आमदनी बढ़ाने और हो गए खर्चे खाली, आमदनी तो नहीं बढ़ी, तो इस बात की संभावना भी हो सकती है। तो सावधान रहकर ही करें, पूरी तरह सोच विचार कर ही यात्रा की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों के बारे में जो मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, परेशान हैं उससे, तो अपने आप को मजबूत अवश्य करें। परिवारजनों की सहायता आपको लाभ पहुँचा सकती है मुकदमेबाजी के अंदर। फिर भी अपने आप को जितना स्ट्रांग करेंगे, अगर आप मुकदमेबाजी में आप उलझे हुए, तो आप अपने आप को जितना मजबूत करेंगे और शनिदेव भगवान का जितना आशीर्वाद ले लेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मगर ये आशीर्वाद आप ये मत समझना आप पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। भागीरथ ने भी 19 साल तपस्या करी थी तब भगवान प्रसन्न हुए थे। आपकी 2-4 दिन की पूजा, 2-4 मिनट की पूजा, वो पूजा जिसमें मन में आ रहा भी अरे वहाँ वो रह गया, बैठे तो पूजा करनी है, सामने भगवान जी हैं, दीप भी जल रहा है, धूप भी जल रही है, भोग भी लगा रखा हुआ है, मगर दिमाग घूम रहा है इधर उधर 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 उधर, वो उसे करना पूजा नहीं कहते हैं। जब भगवान हर समय ध्यान में यहां आए उसी समय पूजा करनी है, और भगवान को यहां से हटने नहीं देना, तो पूजा कम से कम उन तक तो पहुंचे। वो भी सालों साल की तपस्या, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मतलब ये, थोड़ा सावधान है, अनावश्यक क्रोध करने से बचें। आपका अनावश्यक क्रोध आप ही के लिए परेशानी का कारक बन सकता है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। जो युवक युवतियाँ प्रेम संबंधों में फंसे हुए, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको आपके जीवन में खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं प्रेम संबंधों को लेकर, तो आप उनको एंजॉय करें। यहाँ बात कर रहा हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों को, 4-4 ग्रह आपके सिर पर बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं चंद्र कुंडली में, तो आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। किंतु परिवारजनों से उलझने का प्रयास ना करें, वाद विवाद करना भारी पड़ेगा, आपको परेशानी का सबब बन सकता है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके पास है। जो स्टूडेंट है उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, माँ बाप एक बार ध्यान से सुन लें इस बात को, तो अगर उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा तो क्या बड़े होकर मूंगफली बेचेंगे? तो पढ़ेंगे तभी तो नवाब बनेंगे। कहीं हमने सुना है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब,
तो उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे, उसके लिए आपको कुछ उपाय तो करना चाहिए। आप इतनी मोटी मोटी फीसें देते हैं स्कूलों की, उनकी ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं, रिजल्ट जीरो, क्योंकि 95% से कम तो आज कुछ हो भी नहीं रहा है स्टूडेंट्स के साथ। वही सक्सेसफुल हैं, वही अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं जो 95% के आसपास अपने मार्क्स लाते हैं। तो अपने बच्चे को शुरू से, यानी दूसरी तीसरी क्लास से ही उस तरफ ले जाना है आपने। हाँ, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं तो फिर आप जो मर्जी बच्चे से कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके जीवन साथी के बारे में। तो जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी, तो उनको उनके कार्यस्थल से एक या संभावना बनती है कि उनको कार्यस्थल से एक योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सके। भाग्य की बात करूं तो भाग्य के हालात अनुकूल नहीं है। भाग्य के देवता को प्रसन्न करिए, वरना आप परेशानी का सबब बन जाएंगे। तो भाग्य के देवता को प्रसन्न करने के लिए मैं तो पहले ही कहता हूँ, आप एक नीलम की अंगूठी, एक पन्न पुखराज की अंगूठी, वो पन्ने की अंगूठी तो कम से कम हमेशा पहना करो। जीवन साथी भी बार बार आपका आंसुओं से रोता है, उसको भी संभालने के प्रयास किया करो, अवश्य फायदा होगा। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठियाँ, चाहे आप नीलम पहनो या पन्ना पहनो, अवश्य आपको लाभ दिलाती है। चाहे पुखराज पहनो, चाहे रूबी पहनो, चाहे गोमेद पहनो, चाहे लहसनिया पहनो, चाहे हीरा पहनो, तो उन सब का लाभ उठाने का प्रयास करें। मेरी वर्षों की साधना है, नित्य प्रति की साधना है, जहाँ मैं समस्त नवग्रह देवताओं के मंत्रों का नित्य प्रति ध्यान के साथ जाप करता हूँ। तो आप लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो आपके प्रेम संबंध है, वहाँ कुछ उलझने आकर खड़ी हो सकती हैं। कार्यस्थल पर कोई को लेकर कोई यात्रा की संभावना बन सकती है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में आ रही उलझनों को दूर करने के लिए आप हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करिए। वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करिए, हम जरूरत पड़ने पर ये उपाय आपको घर तक पहुंचा देंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो। यहां मैं बात करना चाहता हूं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, आपका इस समय ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, चार ग्रह तो आपके खर्चे वाले घर में बैठे हैं चंद्र कुंडली के अनुसार। वक्री बुध सिर पर बैठे हैं, जन्म कुंड राशि में ही बैठे हुए हैं, और राहु और केतु कार्यस्थल और घर पर बैठकर आपका बैंड बजा रहे हैं। यानी इतने सारे दुश्मन अगर आपको नुकसान पहुंचाएं या बीमारियां दें, परेशानियां खड़ी करें, तो कैसे संभलेंगे? तो इसीलिए हम कहते हैं हमेशा अपने आप को मजबूत करके रखिए, अपनी राशि रत्न की, अपनी लगन की, अपने भाग्य की, अपने आमदनी की, और अपने जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठी पहनकर हमेशा मजबूत बने रहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको परेशानी ना हो। इनकी इन सभी ग्रहों की मंत्र से अंगूठियाँ घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के झगड़ों से बचने का प्रयास करें। मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं तो गलत झूठी जमानत लेना या झूठी गवाही देना आपके लिए बैंड बजाने वाला होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, कि आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से इस समय निराशा आपके हाथ लगेगी। तो सोच समझ कर अपने प्रेम संबंधों में आप हमसे वीडियो कॉल के माध्यम से मदद ले सकते हैं। अपने शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं, ताकि आपके शत्रुओं को हम कम से कम इस प्रकार से बांध दें कि वो आपको नुकसान तो ना पहुंचा सके। बात करता हूँ मीन राशि वाले व्यक्तियों के। आपका अपना ग्रह नीच का होने की वजह से आपको कैसे शुभ फल दे सकता है? प्रॉपर तो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। ऊपर से सारे के सारे ग्रह जो आपको नुकसान दे रहे हैं, जैसे बुध देवता आपको नुकसान दे रहे हैं, वक्री हैं, राहु आपके लिए बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो भी आपको परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो इन सब से बचने का प्रयास करिएगा। अपने आप को अगर आप मजबूत रखेंगे, अपने भाग्य को मजबूत कर रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। वैसे आपको आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो आपको बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आमदनी के देवता आमदनी के घर में बैठे हैं, साथ साथ शुक्र देवता भी वहीं बैठे हैं, वो आपके बृहस्पति देवता भी वहीं बैठे हुए हैं और शनिदेव भी वहीं बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आमदनी में वृद्धि होगी, साथ साथ कोई नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय का फायदा उठाइए, परिवारजन भरपूर साथ दे रहे हैं, भाई बहनों के साथ उलझनों से बचने का प्रयास करिएगा। जो स्टूडेंट हैं तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, चंचलता बहुत ज़्यादा बनी है। तो बात करूँगा मैं जो लोग कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में हैं, मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए अगर उस समय उनका फैसला आता है तो उनके लिए शुभता प्रदान करने वाला है।
किंतु आप अगर आपको रास्ते में कभी कोई ट्रांसजेंडर मिल जाए तो उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। साथ ही साथ आप जितना अपने आप को मजबूत रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। प्रेम प्रसंगों के मसले में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो जरूरत पड़ने पर आप अगर आप प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं और घर बैठे जरूरत पड़ने पर उपायों को भी पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो बात करूँगा अंत में एक बार पुनः याद दिलाते हुए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव। Thank you.